अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज आपको अगर सच बताऊं तो आज मेरा मूड ही नहीं था कि आज मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन यहां पर मैं आया तो यहां पर कुछ मतलब के ऐसे ऐसे मुझे बात पता चली जिसकी वजह से मुझे व्लॉग बनाना पड़ा। क्योंकि मैं मतलब कि अभी शाम की वक्त है तो बिल्कुल भी सूरज अभी मतलब 2 घंटे हैं सूरज डूबने को, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ पर बैठ गया, थोड़ा मतलब कि क्रिकेट खेलने में जा रहा था, ठीक हो गया। तो उसके बाद ना मुझे यहाँ पर मैं बैठा तो मौसम थोड़ा सुहाना लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मतलब के मौसम ये सीन्स अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं, अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाऊं कि हमारा इलाके में जो शाम के वक्त जो है कितनी खूबसूरती होती है। तो वो चीज़ मैंने मतलब कि ऑब्जर्व की और जो है सोचा कि अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो मेरे व्यूवर्स भी ये चीज़ लाजमी देखें। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो है आज का व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोग देखें मतलब कि आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक हूँ। जो चीज़ मैं खुद मतलब कि मुझे पसंद आता है आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों पर भी हक बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, ये चीज़ कर दिया करें। देखें हमारे सब्सक्राइबर अभी जो है उतने मज़े के नहीं है, तो आप लोग कर दिया करें सब्सक्राइब। बाकी अभी हम जो है अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप लोगों को क्रिकेट दिखाएंगे इंशाल्लाह, और जो है अच्छे अच्छे सीन्स और भी हैं वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं मतलब कि क्रिकेट और जो है हमारे गांव के जो शाम का मंजर है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो व्यूअर आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो एक एक करके खिलाड़ी हमारे आ रहे हैं। तो हमारा ग्राउंड भी यहाँ पर नज़दीक है, आप लोग यहाँ पर ये दोनों लड़के जा रहे हैं उस तरफ, वहाँ पर जो है हमारा ग्राउंड है, तो हम वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे खिलाड़ी भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये देख लें मतलब कि जानवर कैसे चर रहे हैं शाम के वक्त, माशाल्लाह ये क्या ही मंजर है आप लोग देख सकते हैं। तो ये सीन भी आप लोगों को दिखानी थी तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आगे चलकर आप लोगों को क्रिकेट वगैरह भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ताकि इस तरह के सीन आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें जी। तो व्यूअर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो हमारा देहाती ग्राउंड है, देहाती स्टेडियम है, वो किस तरह का दिखता है अभी आप लोगों को दिखाने आया हूँ। तो आप लोग ग्राउंड हमारा देखें, हमारे पिचेस देखें कि हम जो है देहात में मतलब कि एक गांव में किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं अपना पिच भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लोग प्रोवाइड कर रहा है हमारा, ये मतलब चारों तरफ सब्ज है, ये हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और जो है बॉलिंग और बैटिंग वगैरह कहाँ करते हैं वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सब्र तो रख रहे हैं, वो अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो एक मिनट में आ चुका हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर पिच पर पहुँच गया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पिच हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देखें हम यहाँ पर जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, यहाँ पर ये पिच हो गया हमारा। मैं एक मिनट थोड़ा मतलब कि बैक कैमरा लगा कर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम जो है किस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर ये देख लें ये हमारा पिच है, इस पर भी थोड़ी मतलब घास वगैरह भी जो है, लेकिन हमें हमारी जो देहात में ये क्रिकेट यहाँ से अच्छी तरीके से जो है हो जाती है, टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें सूरज अभी ढलने वाला है, तो बहुत से इलाकों में ऐसे होता है मतलब कि शाम के जो आखिरी 2 घंटे होते हैं वहाँ पर जो है क्रिकेट अक्सर खेली जाती है। तो हमारे इलाके में भी यही मतलब के पोजिशन है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग चेक करें, यहाँ से यहाँ पर आप लोग ग्राउंड चेक करें, जो लड़का आ रहा है वहाँ पर हम बॉलिंग करते हैं, यहाँ पर बैटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।